स्थान आपको मिला है? अभी अलवर में फर्स्ट है और राजस्थान में भी फर्स्ट है, 99.4%। क्या पूरी स्टडी रही, क्या फीलिंग्स थी आपकी कि क्या रिजल्ट रहने वाला है? मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम है कि मई फर्स्ट वीक में CBSE ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है एंड दैट टू ऑन 2nd मई। तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। पहली बात तो कि 99.4 कहीं ना कहीं होता है, और कहीं ना कहीं ये भी होता है कि एक दो मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे, कहीं ना कहीं टीचर्स काट लेते हैं। सो बिकॉज एक तो इम्परफेक्शंस रह जाती है, परफेक्ट पेपर नहीं जाता है, सो इट्स गुड टू हैव 99.4% स्कोर, दैट्स इट। आपने ऐसा क्या किया जो बाकी सभी नहीं कर पाए? परहैप्स रेगुलर स्टडीज़, कि जितना आप स्कूल में पढ़ के आ रहे हो उतना ही घर पे आके पढ़ लो। जैसे मेरे पापा हमेशा कहते थे कि बस उतना कर लो, काफ़ी होता है, टीचर्स के साथ चलो। इस हाँ, उपलब्धि का श्रेय किसको देंगे, फैमिली को, टीचर्स को? सबको, बिकॉज एवरीबडी हेल्प मी, मतलब हर कोई, पापा मम्मी हर टीचर ने इतना सपोर्ट किया, एवरी टीचर, नॉट सिंगल वन। कॉमर्स का प्लान किसका था कि आप कॉमर्स स्ट्रीम में आगे चलेंगे? मेरा ही था। खुद का था? हाँ। और मम्मी पापा क्या चाहते थे? पापा बायो चाहते थे, बिकॉज पापा खुद बायो स्ट्रीम से है। मम्मी का था कुछ भी ले ले, फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बायो नहीं ली इसके पीछे? बिकॉज मुझे कॉमर्स पसंद था, मतलब इट्स मनी एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, वो मेरा फोर्टे है। अब आगे क्या करेंगे आप? DU स्टीफेंस में ट्राई करूँगी अगर होता है तो। जो कुछ दूर रह रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपको? मैं अगेन वही कहूँगी कि रेगुलर स्टडीज़ करो, इट ऑलवेज पेस, प्लस क्लासरूम स्टडीज़, मतलब जितना आप क्लासरूम में पढ़ते हो ना, इट ऑलमोस्ट फिनिशेस 80% ऑफ़ योर वर्क। कि हाँ, वहाँ पर आपको वहाँ की चीज़ें याद रह जाती है, विजुअल्स याद रह जाते हैं, तो वो आगे बहुत हेल्प करता है। आपने कोई ऐसा कुछ अलग किया जैसे मान लीजिए नहीं अपनी आया। स्टडी में या कुछ भी, कि जो आपको लगता है फ्रूटफुल रहा आज इस सिचुएशन में लेके आया? मैंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की। बहुत इंजॉयमेंट किया। अगर कोई मेरी 12th की पूरी लाइफ स्टाइल देख ले तो वह कहेगा कि इसके तो क्या आ ही नहीं क्या सकते। शेड्यूल रहता था जैसे आपका? सुबह उठ के स्कूल जो होते हैं रेगुलर स्कूलिंग्स, उसके बाद आके थोड़ा सा रेस्ट करना, एंड देन आई हैड माई ट्यूशंस, उसके बाद थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज 3 घंटे के ट्यूशंस होते थे तो चिल आउट, और फिर घर पे आके नाइट स्टडीज।